अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स माय नेम इज़ मोहम्मद अवैस एम योर क्लास 11 मैथमेटिक्स टीचर स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर फाइव को स्टार्ट किया था जिसमें हमने कुछ बेसिक डेफिनेशन को डिस्कस किया था एंड देन हमने केस वन ऑफ़ रिजॉल्विंग आर रैशनल फ्रैक्शन इन टू पार्शल फ्रैक्शन को डिस्कस किया था और इससे रिलेटेड एग्जाम्पल नंबर वन की थी आज के लेक्चर में हम फर्दर कुछ और एग्जाम्पल्स करेंगे रिलेटेड टू केस नंबर वन तो आए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं अब यहाँ पे हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर टू रिलेटेड टू केस वन ऑफ फ्रैक्शन रिजोल्विंग एग्जाम्पल नंबर टू है रिजोल्व एक्स स्क् माइनस टेन एक्स प्लस थर्टीन ओवर एक्स माइनस वन इन टू एक्स स्क् माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इन टू पार्शल फ्रैक्शन सोल्यूशन अब हमारे पास ये जो गिवन रैशनल फ्रैक्शन है इसके डिनोमिनेटर में देखा जा सकता है हमारे पास है x square minus 5x plus 6, तो हम सबसे पहले x square minus 5x plus 6 को करेंगे दिस इज इक्वल टू एक्स स्क् माइनस अब यहाँ पे फाइव को सप्लिट कर देंगे द फॉर्म ऑफ थ्री प्लस टू इन एक्स प्लस सिक्स देन हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टू एक्स प्लस सिक्स दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स में से कॉमन आ जाएगा एक्स और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स माइनस थ्री के साथ माइनस टू एक्स प्लस सिक्स में से हम कॉमन लेंगे माइनस टू को और ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स माइनस थ्री के साथ देन हमारे पास कॉमन आ जाएगा एक्स माइनस थ्री और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स माइनस टू के साथ अब जो हमारे पास गिवन रैशनल फ्रैक्शन है इसमें एक्स माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स की जगह अब हम लिखेंगे एक्स माइनस फ्रैक्शन है एक्स स्क् माइनस टेन एक्स प्लस थर्टीन ओवर एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स ये इक्वल आ जाएगा एक्स स्क् माइनस टेन एक्स प्लस थर्टीन ओवर एक्स माइनस वन एक्स स्क्साइव एक्स प्लस सिक्स की जगह हम लिख देंगे एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री अब हमारे पास ये जो फ्रैक्शन आ रहा है इसके डिनोमिनेटर में देखा जा सकता है हमारे पास है नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स अब हमने इसको रिजॉल्व करना है पार्शियल फ्रैक्शंस में suppose x square minus 10x plus 13 over x minus 1 into x minus 2 into x minus 3 this is equal to a over x minus 1 plus b over x minus 2 plus c over x minus 3 दिस इज इक्वेशन नंबर वन अब हम इक्वेशन नंबर वन को मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री के साथ मल्टीप्लाइंग बाय एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन वन तो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा एक्स स्क्वे माइनस टेन एक्स प्लस थर्टीन ओवर एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री और ये पूरा फ्रैक्शन मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री के साथ दिस इज इक्वल टू ए Over x minus one into x minus one into x minus two into x minus three plus B over x minus two into x minus one into x minus two into x minus three plus C over x minus three into x minus one into x minus two और राइट साइड पे जो पहला फ्रैक्शन है इसमें एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन के साथ कैंसिल होगा सेकेंड फ्रैक्शन में एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू के साथ कैंसिल हो जाएगा और थर्ड फ्रैक्शन में एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री के साथ कैंसिल हो जाएगा अब हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्र माइनस टेन एक्स प्लस थर्टीन दिस इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री प्लस बी इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री प्लस सी इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू दिस इजन नंबर टू और यहाँ पे ये जो इक्वेशन नंबर टू है ये एक आइडेंटिटी है आइडेंटिटी कहते हैं एक ऐसी इक्वेशन को जिसमें दोनों साइड्स एक्स की तमाम वैल्यूज के लिए इक्वल हो अब हम यहां पे अप्लाई करेंगे जीरोस मेथड तो सबसे पहले एक्स माइनस वन को पुट कर देंगे जीरो के इक्वल पुटिंग एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो तो यहां पे एक्स आ जाएगा वन के इक्वल अब हम x इज इक्वल टू वन को यूज करेंगे क्वेश्चन नंबर टू में Using x is equal to 1 in equation 2, तो हमारे पास आ जाएगा वन स्क्वेर माइनस टेन इंटू वन प्लस थर्टीन दिस इज इक्वल टू ए इंटू वन माइनस टू इंटू वन माइनस थ्री प्लस b into 1 minus वन into 1 minus थ्री plus c into वन minus वन into वन minus टू वन minus वन इज 0. तो ये दोनों टर्म्स हो जाएंगी जीरो के इक्वल अब हमारे पास आ जाएगा वन माइनस टेन प्लस थर्टीन एंड दिस इज इक्वल टू ए इंटू माइनस वन इंटू माइनस टू नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा वन माइनस टेन इज माइनस नाइन माइनस नाइन प्लस थर्टीन इज फोर एंड दिस इज इक्वल टू ए इंटू माइनस वन इंटू माइनस टू इज टू अब राइट साइड पे टू ए के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई जब टू को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा फोर से डिवाइड और हमारे पास ए आ जाएगा फोर ओवर टू के इक्वल टू इंटू माइनस टू टू इंटू टू इज फोर तो ए आ रहा है अब टू के इक्वल नेक्स्ट हम एक्स माइनस टू को जीरो के इक्वल पुट कर देंगे एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो पे x आ जाएगा टू के इक्वल अब हम x इज इक्वल टू टू को यूज करेंगे क्वेश्चन नंबर टू में यूजिंग x इज इक्वल टू टू इन जन टू तो क्वेशन टू आ जाएगी टू स्क्वेर माइनस टेन इंटू टू प्लस थर्टीन एंड दिस इज इक्वल टू ए इंटू टू माइनस टू इंटू टू माइनस थ्री प्लस बी इंटू टू माइनस वन इंटू टू माइनस थ्री प्लस सी इंटू टू माइनस वन इंटू टू माइनस टू टू माइनस टू इज जीरो तो ये दोनों टर्म्स हो जाएंगे जीरो के इक्वल तो अब हमारे पास आ जाएगा फोर माइनस ट्वेंटी प्लस थर्टीन दिस इज इक्वल टू बी इंटू वन इंटू माइनस वन फोर माइनस ट्वेंटी प्लस थर्टीन इज माइनस थ्री एंड दिस इज इक्वल टू बी इंटू वन इंटू माइनस वन इज माइनस बी माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल और बी हमारे पास अब आ जाएगा थ्री के इक्वल नेक्स्ट हम एक्स माइनस थ्री को पुट कर देंगे थ्री इज इक्वल टू जीरो तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा थ्री के इक्वल अब हम एक्स इज इक्वल टू थ्री को यूज करेंगे आइडेंटिटी में और इक्वेशन नंबर टू में यूजिंग

इंटू थ्री माइनस टू थ्री माइनस थ्री इज जीरो ये पूरी टर्म हो जाएगी जीरो और ये टर्म भी हो जाएगी जीरो के इक्वल नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा नाइन माइनस थर्टी प्लस थर्टीन एंड दिस इज इक्वल टू सी इंटू टू इंटू वन नाइन माइनस थर्टी प्लस थर्टीन इज माइनस एट एंड दिस इज इक्वल टू टू सी Then हमारे पास आ जाएगा माइनस एट ओवर टू इज इक्वल टू सी टू इंटू वन इज टू टू इंटू फोर इज एट तो सी की वैल्यू आ जाएगी माइनस फोर के इक्वल अब हमने ए बी एंड सी की वैल्यूज फाइंड कर ली हैं नाउ वी विल पुट वैल्यूज़ ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन नंबर वन पुटिंग वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन एक्वेजन वन तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वेर माइनस टेन एक्स प्लस थर्टीन ओवर एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री दिस इज इक्वल टू टू ओवर एक्स माइनस वन प्लस थ्री ओवर एक्स माइनस टू प्लस माइनस फोर ओवर एक्स माइनस थ्री देन हमारे पास आएगा एक्स स्क्वेयर माइनस टेन एक्स प्लस थर्टीन ओवर एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री इज एक्स स्क्वेयर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्सटीन दिस इज इक्वल टू टू ओवर एक्स माइनस वन प्लस थ्री ओवर एक्स माइनस टू माइनस फोर ओवर एक्स माइनस थ्री तो so, यहां पे हमने गिवन रैशनल फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शंस में रिसोल्व कर दिया है सो दिस इज आवर फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल नंबर थ्री रिसोल्व टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्स एक्स माइनस थ्री और एक्स इंटू टू एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस वन इंटू पार्शल फ्रैक्शन सोल्यूशन हमारे पास जो गिवन रैशनल फ्रैक्शन है वो है टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वे माइनस एक्स माइनस थ्री ओवर एक्स इंटू टू एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस वन अब यहां पे नोटिस किया जा सकता है ये फ्रैक्शन एक इम्रॉपर फ्रैक्शन है और अब हमने इसको मिक्स फॉर्म में रिड्यूस करना है बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू एक्स इंटू टू एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस वन तो हमारे पास आ जाएगा एक्स टू एक्स प्लस थ्री एंड एक्स माइनस वन का लेते हैं प्रोडक्ट तो यहाँ पे आ जाएगा टू एक्स स्क्वेर माइनस टू एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री देन आ जाएगा एक्स इंटू टू एक्स स्क्वे प्लस एक्स माइनस थ्री देन एक्स एंड टू एक्स प्लस एक्स माइनस वन कर लेंगे प्रोडक्ट तो यहाँ पे आ जाएगा टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क् माइनस थ्री एक्स अब हम करेंगे लॉन्ग डिवीजन अब हमारे पास डिवाइडेड है टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क् माइनस एक्स माइनस थ्री एंड द डिवाइजर इज टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क् माइनस थ्री एक्स तो सबसे पहले टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे वन के साथ तो हमारे पास आ जाएगा टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्र माइनस थ्री एक्स साइंस चेंज हो जाएंगे बिकॉज हम यहाँ पे कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स क्यूब के साथ हो जाएगा कैंसल एक्स स्क्वायेयर माइनस एक्स स्क्वायेर के साथ कैंसल आउट हो जाएगा माइनस एक्स प्लस थ्री एक्स इज टू एक्स और साथ आ जाएगा माइनस थ्री अब यहाँ पे देखा जा सकता है रिमाइंडर में जो पोलिनोमियल है उसकी डिग्री लेस है डिवाइजर के पोलिनोम से तो आगे फर्दर लॉन्ग डिवीजन को हम कंटिन्यू नहीं करेंगे अब जो फ्रैक्शन है टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस थ्री ओवर एक्स इंटू टू एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस वन दिस इज इक्वल टू सबसे पहले आ जाएगा क्वेश्चन विच इज वन प्लस रिमाइंडर इज टू एक्स माइनस थ्री ओवर और यहाँ पे आ जाएगा डिवाइजर और वो है टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क् माइनस थ्री एक्स देन हमारे पास आ जाएगा टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क् माइनस एक्स माइनस थ्री ओवर एक्स इंटू टू एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस वन दिस इज इक्वल टू वन प्लस टू एक्स माइनस थ्री एक्स इंटू टू एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस वन के दिस इजन नंबर अब यहाँ पे हमारे पास ये जो प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है इसको हम रिजोल्व करेंगे पार्शल फ्रैक्शन में सपोज टू एक्स माइनस थ्री ओवर एक्स इंटू टू एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस वन दिस इज इक्वल टू अब यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में देखा जा सकता है नॉन रिपीटेड लीनियर हैं पहला फैक्टर है एक्स सेकेंड फैक्टर इज टू एक्स प्लस थ्री एंड द थर्ड फैक्टर इज एक्स माइनस वन तो राइट right साइड पे आ जाएगा ए ओवर एक्स प्लस बी ओवर टू एक्स प्लस थ्री प्लस सी ओवर एक्स माइनस वन दिस इज क्वेश्चन नंबर टू नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर टू को मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स इंटू टू एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस वन के साथ मल्टीप्लाइंग बाय एक्स इंटू टू एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस वन ऑन बोथ साइड्स ऑफ equation टू तो हमारे पास आ जाएगा टू एक्स माइनस थ्री दिस इज इक्वल टू एंटू टू एक्स प्लस इंटू एक्स माइनस वन प्लस बी इंटू एक्स इंटू एक्स माइनस वन प्लस सी इंटू एक्स इंटू टू एक्स प्लस थ्री दिस इज इक्वेशन नंबर थ्री अब यहाँ पे हमारे पास तीन डिफरेंट लीनियर टर्म्स है पहली लीनियर टर्म है एक्स तो सबसे पहले हम एक्स को पुट कर देंगे जीरो के इक्वल पुटिंग एक्स इज इक्वल टू जीरो तो यहां पे एक्स आ रहा है जीरो के इक्वल अब हम एक्स इज इक्वल टू जीरो को यूज कर लेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री में तो यहां पे लिख देते हैं इन थ्री तो क्वेश्चन नंबर थ्री बन जाएगी माइनस थ्री इज इक्वल टू ए इंटू जीरो प्लस थ्री इंटू जीरो माइनस वन प्लस बी इंटू जीरो इंटू जीरो माइनस वन प्लस सी इंटू जीरो इंटू जीरो प्लस थ्री ये दोनों टर्म्स हो जाएंगी जीरो के इक्वल तो हमारे पास अब आ जाएगा माइनस थ्री इज इक्वल टू ए इंटू थ्री इंटू माइनस वन आ जाएगा माइनस थ्री इज इक्वल टू ए इंटू थ्री इंटू माइनस वन इज माइनस थ्री ए माइनस से माइनस कैंसल आउट हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा थ्री ओवर थ्री इज इक्वल टू ए थ्री से थ्री कैंसल हो जाएगा और ए आ जाएगा वन के इक्वल नेक्स्ट हम टू एक्स प्लस थ्री को पुट कर देते हैं जीरो के इक्वल पुटिंग टू एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा टू एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री देन एक्स आ जाएगा माइनस थ्री ओवर टू के इक्वल नाउलूज एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री ओवर टू इन इक्वेशन नंबर थ्री पुटिंग एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री ओवर टू इन इक्वेशन थ्री तो क्वेजन नंबर थ्री बन जाएगी टू इन टू माइनस थ्री ओवर टू minus three this is equal to a into two into minus three over two plus three into minus three over two minus one plus b into minus three over two into minus three over two minus one plus c into minus three over two इन टू टू इंटू माइनस थ्री ओवर टू प्लस थ्री लेफ्ट साइड पे ये टू इस टू के साथ कैंसिल हो जाएगा एंड माइनस थ्री माइनस थ्री इज माइनस सिक्स दिस इज इक्वल टू ए इंटू यहां पे टू टू से कैंसिल एंड माइनस थ्री प्लस थ्री इज जीरो और साथ आ जाएगा माइनस थ्री ओवर टू माइनस वन इज माइनस फाइव ओवर टू प्लस बी इंटू माइनस थ्री ओवर टू इंटू माइनस फाइव ओवर टू प्लस सी इंटू माइनस थ्री ओवर टू इंटू देन हमारे पास आ जाएगा माइनस सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस बी इंटू फिफ्टीन ओवर फोर प्लस जीरो आ जाएगा माइनस सिक्स इज इक्वल टू फिफ्टीन बी ओवर फोर अब राइट right साइड पे फोर डिवाइड हो रहा है लेफ्ट साइड पे जब फोर को शिफ्ट करेंगे तो माइनस सिक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा और राइट right साइड पे मल्टीप्लाई जब फिफ्टीन को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो माइनस सिक्स से डिवाइड हो जाएगा अब हमारे पास आ जाएगा माइनस सिक्स इंटू फोर ओवर फिफ्टीन थ्री इंटू टू इज सिक्स थ्री इंटू फाइव इज फिफ्टीन एंड दिस इज इक्वल टू बी माइनस टू इंटू फोर इज माइनस एट तो बी हमारे पास आ जाएगा माइनस एट ओवर फाइव के इक्वल नेक्स्ट हम एक्स माइनस वन को जीरो के इक्वल पुट करेंगे पुटिंग एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो तो यहां पे एक्स आ जाएगा वन के इक्वल नो वी विल पुट एक्स इज इक्वल टू वन इन इक्वेशन नंबर थ्रीजन नंबर थ्री बन जाएगी टू इंटू वन माइनस थ्री दिस इज इक्वल टू ए इंटू टू इंटू वन प्लस थ्री इंटू वन माइनस वन प्लस बी इंटू वन इंटू वन माइनस वन प्लस सी इंटू वन इंटू टू इंटू वन प्लस थ्री वन माइनस वन इज़ ज़ीरो तो ये दोनों टर्म्स हो जाएंगी ज़ीरो के इक्वल अब हमारे पास लेफ्ट साइड पे है टू माइनस थ्री विच इज इक्वल टू माइनस वन दिस इज इक्वल टू सी इन टू फाइव देन हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी माइनस वन ओवर फाइव के इक्वल अब हमने ए बी एंड सी की वैल्यूज फाइंड कर ली हैं नाउ वी विल पुट दी वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन नंबर टू पुटिंग वैल्यूज ऑफ a, b

प्लस सी की जगह आ जाएगा माइनस वन ओवर फाइव ओवर एक्स माइनस वन राइट साइड को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हमारे पास आ जाएगा टू एक्स माइनस थ्री ओवर एक्स इंटू टू एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस वन दिस इज इक्वल टू वन ओवर एक्स माइनस एट ओवर फाइव इंटू टू एक्स प्लस थ्री माइनस वन ओवर फाइव इंटू एक्स माइनस वन अब हम यूज करेंगे नंबर वन वन, वन को। फ्रॉम वी हैव में टू एक्स माइनस थ्री ओवर एक्स इंटू टू एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस वन की जगह हमारे पास आ जाएगा वन ओवर एक्स माइनस एट ओवर फाइव इंटू टू एक्स प्लस थ्री माइनस वन ओवर फाइव इंटू एक्स माइनस तो क्वेश्चन नंबर वन बन जाएगी टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्स एक्स माइनस थ्री ओवर एक्स इंटू टू एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस वन दिस इज इक्वल टू वन प्लस वन ओवर एक्स माइनस एट ओवर फाइव इंटू टू एक्स प्लस थ्री माइनस वन ओवर फाइव इंटू एक्स माइनस वन तो यहां पे हमने गिवन रैशनल फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में रिजोल्व कर दिया है सो दिस इज आवर फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने केस वन ऑफ अ रिजोल्विंगल फ्रैक्शन इनटू पार्शियल फ्रेक्शन से रिलेटेड एग्जाम्पल नंबर टू एंड एग्जाम्पल नंबर थ्री को सॉल्व किया है नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज फाइव पॉइंट वन मैं उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा हम मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में